हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्राचीन काल में आर्यों की भाषा क्या थी, हिंदी, संस्कृत, ग्रीक या अरबिक। तो आर्यों की भाषा जो थी वो क्या थी, संस्कृत थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, चरक, विक्रम सेठ या अरुंधति राय। तो चरक संहिता पुस्तक किसने लिखा था, ये चरक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारत में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई थी, 1886 AD, 1880 AD, 1887 AD या 1889 AD। तो देखो यहाँ पर इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। एक्चुअली में जो यंग बंगाल मूवमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब हुआ था, 1826। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1826, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, चाणक्य, आदि शंकरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, और कब की थी, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है, धर्म, अर्थशास्त्र, धर्म, चिकित्सा, इतिहास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो चरक संहिता है किससे संबंधित थी, चिकित्सा के बारे में बताया गया है इसमें, शल्य चिकित्सा। अगला क्वेश्चन, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश किसने दिया था, पुरंदरदास, प्रभाकर, भर्तृहरि, श्री नारायण गुरु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश किसका था, श्री नारायण गुरु का। अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, हेनरी लुई विलियम डेरेजियो, हरचंद्र घोष, राम गोपाल घोष, अमृतलाल मित्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो युवा बंगाल आंदोलन था इसके नेता कौन थे, हेनरी लुई विलियम डेरेजियो, और ये एक अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, 1835, 1830, 1855, 1828। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1828। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 1829 में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय और साथ में विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक और राजा राम मोहन राय, ये ध्यान रखना, 1829। अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई, 1807, 1875, 1855, 1826। तो भी सेम क्वेश्चन ऊपर बताया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1826। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बृहद्रथ। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कैसे याद रखना, CBA, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। तो यहाँ पर स्थापना का किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान किस नाम से जानी जाती है, पूर्णिया, कटिहार, पटना या गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो राजधानी पाटलिपुत्र थी वर्तमान में किस जगह का नाम है, वो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, सिंधु, अश्किनी, सागरमाती या परुषड़ी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 राज्य का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, परुषड़ी हुआ था, आर्य और राजा सुदास के बीच में। अगला क्वेश्चन, लालबाग किला का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था, मोहम्मद आजम शाह, औरंगजेब, शाइस्ता खान या इनमें से कोई नहीं। तो लालबाग किला जो है इसके निर्माण का कार्य किसने शुरू किया, मोहम्मद आजम शाह। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का तक्षशिला वर्तमान किस देश में स्थित है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो जो उस समय तक्षशिला था वो उसकी लोकेशन अब क्या है, तो ये कहाँ है, पाकिस्तान के हिस्से में है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, लैली, कंथक, बादल, चेतक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक, जिससे वो निकले थे अपने राज्य का भ्रमण करने, भेष बदलकर। अगला क्वेश्चन,
सातवाहन राजवंश के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शंस कान्हा, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, शिवास्वती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सातवाहन राजवंश था प्रथम राजा या इसके संस्थापक, तो ये कौन थे? सिमुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमुक हो जाएगा। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इसका एक प्रतापी शासक था इस वंश का। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ, अशोक, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस जयदेव, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा या वाल्मीकि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गीत गोविंद है, गीता गोविंद है, इसके रचयिता कौन है? जयदेव। इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, उमाश्वाति या सोमदेव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 15, 18, 17 या 16। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, मोहन जोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी, गंगा नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के जो हड़प्पा से या सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो इम्पोर्टेंट, वो देख लेना कि किस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध, अंग, वज्जी, अवंती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ के द्वारा हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार। उसके बिंदुसार से मत कंफ्यूज करना, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का था, बिंबिसार हर्यक वंश, ठीक है। और इसको जाना जाता है पितृहंता वंश के नाम से, पितृहंता वंश। क्वेश्चन पूछा जाता है किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, तो हर्यक वंश हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगला शासक जो आता था वो अपने पूर्व शासक को, जो पुत्र आता था अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठ रहा था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? दमड़ी, पाई, फूटी, पड़। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मौर्य वंश में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पड़, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? मेगस्थनीज, सेल्यूकस, चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो इंडिका पुस्तक है ये किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार किस धर्म से था? जैन धर्म से था। और इसके बाद जो शासन कौन बना था? मौर्य साम्राज्य का अशोक, और इसने कौन सा अपनाया था? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, कालिदास किसके शासनकाल में थे? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट अशोक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, तो इनका नाम कहीं कहीं पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा होता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ध्यान रखना ये दूसरे नंबर के थे। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीड़ा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो वीड़ा बजाने वाली जो मूर्ति है सिक्कों पर मिली किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त में, क्योंकि इसको वीड़ा का शौक था। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, पावापुरी या श्रवण वेलगोला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के रचयिता कौन है? वराहमिहिर, कालिदास, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास।
चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ह्वेनसांग था किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ऊपर के सभी? तो जो विशाल स्नानागार मिला था ये कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल, आलंगीरपुर, मोहनजोदड़ो या सुरकोटदा? तो जो सिंधु घाटी का बंदरगाह था वो उसका नाम क्या था? लोथल। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किस गुप्त शासक को कहा जाता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त? तो लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? ये भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी मम्मी थी वो किस राजवंश से थी? लिच्छवी। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबा, लोहा, स्वर्ण, चांदी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसकी खोज वैदिक काल में हुई थी, तो लोहा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर महापरिनिर्वाण किया था? यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? राजगृह, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर। एक मिनट, कुशीनगर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 BC। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? चाणक्य, कालिदास, नागार्जुन, आर्यभट्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। और ये जो ऊपर के तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको क्या कहते हैं? वेद त्रयी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेद त्रयी। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किस महान शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बहादुर शाह, बिंदुसार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक, क्योंकि इसे ही नहीं सबसे ज़्यादा शिलालेख बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजातशत्रु? तो जो फाहियान था ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी एक बुक है जो बहुत पूछी जाती है, फॉक यू की, फॉक यू की, ध्यान रखना है, फॉक यू की। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? मगध, अवंति, वज्जी, अंग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मगध। अशोक ने जब युद्ध किया था कलिंग का, तो उसने अपनी सेना में हाथी का इस्तेमाल किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मगध। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने ये पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता के घर क्या होते थे, पक्के होते, तो किससे बनते थे? ईंट से बनाते थे वो लोग, पकी हुई ईंटों से। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती, सांची? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, फर्स्ट ऑप्शन। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो भगवान बुद्ध थे इनका अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब लोग कमेंट जरूर करेंगे, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? शेरशाह सूरी, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन? तो देव नाम प्रिय ये किसको कहा जाता था? सम्राट अशोक को। ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद काल का उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्क निकाय या अंगुत्तर निकाय? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ इसे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1107, 1028, 1014, 1023? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, ये रवि लिख गया है पर रावी होगा। अगला क्वेश्चन,
712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या हुमायूं। तो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। और कहाँ पर किया था? सिंध। और यहाँ का राजा कौन था? बहुत पूछा जाता है, दाहिर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? हो चुका है ऊपर क्वेश्चन, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने पहली बार कब भारत पर आक्रमण किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार कब आक्रमण किया? 1001, 1004, 1011, 1025। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आक्रमण 1001 में किया था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने कब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? 1004, 1021, 1023, 1025। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1025, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, 1208, 1290, 1297 या 1299। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो नुसरत खान था, किसका सेनापति? अलाउद्दीन खिलजी, इसने कब लूटा था? 1297, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, बहादुर शाह जफर या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? उसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था, तो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में था? अशोक, बाबर, महमूद गजनवी या चंद्रगुप्त मौर्य। तो अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी, इनके साथ आया था। अगला क्वेश्चन, शाहनामा महाग्रंथ के रचयिता कौन थे? इंपॉर्टेंट है शाहनामा, फिरदौसी, बाबर, अकबर या महमूद गजनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, तराइन के कुल कितने युद्ध हुए? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि वही दो फेमस हैं, 1191 और 1192। अगला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, भीमसेन प्रथम। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच में था। तो यह था 1191 में मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर करेक्ट, सॉरी, मोहम्मद गजनवी नहीं, गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी हार गया था। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? अभी मैंने बता दिया ऊपर जस्ट, 1190, 1191, 1192, 1194। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1191। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के राजा कौन थे? चंद्रदेव, भोजराज, पृथ्वीराज चौहान, भीमसेन प्रथम। तो जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीमसेन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193, 1194। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192। अगला क्वेश्चन, किसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था? इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, चंगेज खान। तो इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसकी मृत्यु हो गई थी, तो बाद में इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, तराइन के दूसरे युद्ध में कौन विजयी हुआ था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, अकबर। तो पहले युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी, ये फर्स्ट में, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पहले में कौन जीता था? अभी मैंने बताया, पृथ्वीराज चौहान। सेकंड में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का पहला शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स, नासिरुद्दीन महमूद, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो वही इसका क्या होगा? पहला शासक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? 1027, 1023, 1025, 1033। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी आक्रमण इसने भारत पर कब किया? 1027, और ये था खोखरों के विरुद्ध, खोखरों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई थी? 1255, 1240, 1244, 1251। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1240। और कहाँ पर की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर इसकी इसका मकबरा या समाधि कहाँ पर बनी है? कैथल, हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैथल, हरियाणा। और ये दिल्ली सल्तनत पर कब बैठी थी? 1236। और कब तक रही? 40 तक, 40 में हत्या कर दी गई थी। 1236 से 40 इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन,
रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज, मुइजुद्दीन बहराम शाह, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान के बाद कौन बैठा था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन मसूद शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, मतलब ऐबक पहला था तो दूसरे नंबर पे कौन आया था? इल्तुतमिश। और इसको क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। अगला क्वेश्चन, भारत में लोदी वंश की स्थापना किसने की? निजाम खान, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। जो दिल्ली सल्तनत काल है, इसमें से उम्मीद है कि एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए दिल्ली सल्तनत काल की जो मेन चीज़ें हैं वो लोग आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन या बलबन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आना सिक्के थे ये किसके शासनकाल में चलाए गए थे? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शंस 24, 26, 22, 21। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शंस फारसी, प्राकृत, उर्दू, हिंदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन शासक प्राकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ऑप्शंस सूरत, लोथल, रंगपुर, प्रभासपाटन। बाबुल मक्का, तो बाबुल मक्का किसे कहा जाता था? सूरत को, जो कि कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? हुमायूं, अशोक, शेरशाह सूरी या अकबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो दिल्ली का पुराना किला है किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। और ये किस वंश का था? कुषाण वंश का प्रतापी शासक। पूछा जाता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अश्वघोष किसके दरबार में था? कनिष्क, हुमायूं, अशोक, बिम्बिसार। तो अश्वघोष भी किसके दरबार में था? कनिष्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना किसने की थी? चरक, फिरदौसी, धनपाल या उदयन। तो अभी ये हो चुका है क्वेश्चन ऊपर, शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने। नेक्स्ट, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज, डाइमेकस, निकोलो कोंटी, टालेमी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार के समय कौन यूनानी राजदूत आया था? तो ये डाइमेकस आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डाइमेकस। अगला क्वेश्चन, अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? मालवा विजय, असीरगढ़ विजय, कालिंजर आक्रमण या बंगाल विजय। तो जो अकबर का अंतिम विजय अभियान था वो कौन सा था? असीरगढ़ का किला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, असीरगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1571, 1576, 1587, 1515। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1576। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने, अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था?
पृथ्वीराज चौहान, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पर राजकवि सोमदेव ये किसके दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? गंगा नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, सरस्वती नदी। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की? यानी ये पट्टा एवं कबूलियत जमीन के माप तो मापने से संबंधित है। शेरशाह सूरी, फिरोज शाह सूरी, इब्राहिम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी। गजे सिकंदरी भी इसी का था। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। और किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? जहांगीर, आलमगीर, हुमायूं या बाबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो गुलबदन बेगम थी ये हुमायूं की सिस्टर थी, और हुमायूं किनका लड़का था? बाबर का। तो ये भी किसकी पुत्री हो जाएंगी? बाबर की, क्योंकि ज़्यादातर गुलबदन बेगम हुमायूं के साथ रिलेट याद रखते हैं लोग कि इनकी बहन थी। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर पुत्री पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति सर्वप्रथम किस युद्ध में प्रयोग किया था? ऑप्शन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किस युद्ध नीति का उपयोग किया गया था? तुगलमा युद्ध नीति। और ये कब हुआ था? 1526। अगला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1521, 1522, 1526, 1528। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विदेशी आक्रमण जो कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? सिकंदर, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह। इसको क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। और इसने भारत पर आक्रमण कब किया ये भी पूछा जाता है, 1739। याद रखना, भारत पर आक्रमण कब किया था इसने? 1739। अगला क्वेश्चन, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये था अकबर। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर या औरंगजेब। तो आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था, औरंगजेब को। और इसको एक नाम और दिया जाता था, जिंदा पीर, जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन, किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? जयदेव, वराहमिहिर, विल्लण या बाणभट्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी है? बाणभट्ट। किस नाम से है? हर्षचरित, हर्षचरित। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाणभट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? सोना, कापर, लोहा, पीतल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कापर, कापर यानी कि तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई? तांबा। अगला क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? भूतपाल, राष्ट्रपाल, कैवर्त या धनानंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनानंद। इसी के साथ नंदवंश समाप्त हो गया था। किसने? जो चाणक्य थे उन्होंने समाप्त करके किस वंश की स्थापना की गई थी? मौर्य वंश की। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। और कालीबंगा क्यों नाम है इसका? क्योंकि यहाँ से काली चूड़ियों के अवशेष मिले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, काली चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी जो अमृतसर है नगर की स्थापना की? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु अमरदास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु रामदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके लिए जमीन इनको किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन।
उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।